तो गाइज मैं अभी ऋषिकेश पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि मुझे हरिद्वार से ऋषिकेश कितना ज्यादा जाम मिला। हम ऋषिकेश के अंदर घूम रहे थे खाने की तलाश में, कुछ भी अच्छा ऑप्शन नहीं मिला वहाँ पे। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल के एक और बढ़िया एपिसोड में। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि सुबह के 6 बजने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड की तरफ। बहुत ही रैंडम प्लान बना, मतलब कल शाम को प्लान बना और रात को सारी पैकिंग की, टाइम से सो भी गए, नींद मिल चुकी है और अब एकदम फ्रेश हूँ, निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो अब बस 5 से 10 मिनट में, 6 बजे का ही सोचा हुआ था, तो 5 से 10 मिनट में निकलने वाला हूँ मैं यहाँ से। और उत्तराखंड बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ मैं। जिन जिन डेस्टिनेशंस पर जा रहा हूँ उनमें से कुछ जगह पर मैं पहले जा चुका हूँ, लेकिन बचपन में गया था तो इतना कुछ याद नहीं है। तो एक बार फिर से जाएंगे तो मज़ा आएगा काफ़ी ज़्यादा। इस बार मस्त एकदम वीडियो भी बनाएंगे और रिफ्रेश करेंगे सारी मेमोरीज़। बचपन का अगर कुछ याद हुआ तो वहीं जाके देखेंगे बाकी। और अब मैं निकलता हूँ बिना टाइम वेस्ट के, लगेज मेरा एकदम रेडी है, नीचे जाता हूँ, गाड़ी में रखता हूँ और आपको नीचे मिलता हूँ। तो ऐसा कुछ नज़ारा है अभी नीचे, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। एक्चुअली 7 बजे का सनराइज़ है तो 6:30 के बाद ही थोड़ी बहुत सनलाइट होगी, बाकी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है निकलने का। और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है अभी, ना ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा गर्मी है, तो एकदम कूल वेदर है। अभी निकलते हैं थोड़ी देर में, बैग्स मैंने अंदर गाड़ी में रख दी हैं और बस बैग करना है और निकलना है सीधा। तो गाइस 100 किलोमीटर कवर कर चुके हैं अभी घर से और यहाँ पे रुके हैं अभी चीतल ग्रैंड में। और मैंने सुना था कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है रुकने के लिए, लेकिन अभी कुछ खाने का प्लान नहीं क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो अभी इतनी भूख नहीं है, आगे जाके कुछ देखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए आगे निकल जाएंगे। थोड़ी देर का स्टे करेंगे हरिद्वार के अंदर, एक आध चीज़ें वहाँ पे देखेंगे, उसके बाद मतलब अभी कुछ भी फिक्स नहीं है कि क्या करना है, तो मुझे भी आपके साथ ही आगे आगे चलते हुए पता लगेगा। बाकी फिर ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ पे लंच का प्लान है और उसके बाद भी अभी आगे जाना है, ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं रहेगी, उसके बाद भी एक जगह आगे जाना है, वो आपको आगे ब्लॉग में पता लगेगा। तो मज़ा आ रहा होगा आई होप आपको। और रोड काफ़ी अच्छे हैं, मीरठ तक तो रोड एकदम ज़बरदस्त है, मतलब बहुत ही स्मूथ, उसके बाद भी रोड ठीक है, डबल लेन रहता है और अच्छा रोड है बाकी, और ऐसा ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर चीतल ग्रैंड के अंदर मैं अभी एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि पार्किंग की काफ़ी ज़्यादा मतलब हैसल है, क्योंकि जब आप उस हाईवे पे जाते हो NH1 साइड, बहुत बड़े बड़े वहाँ पे बने होते हैं जो ये ढाबा टाइप होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है मुझे क्योंकि पार्किंग यहाँ पर इतनी सही है नहीं। अभी यहाँ पर खाना नहीं खाना था तो इसलिए तो ठीक है, वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है तो अभी तो ऐसे ही बीच में लगा रखी है। बाकी अब चलते हैं यहाँ से और आगे निकलते हैं सीधा हरिद्वार, ज़्यादा दूर रह नहीं गए यहाँ से, मुश्किल से 100 किलोमीटर और होगा, तो चलते हैं यहाँ से अब आगे। तो अब प्लान ऐसा कर रहे हैं कि अब रुक ही गए हैं तो थोड़ा चाय पी लेते हैं क्योंकि अब 9 के करीब टाइम हो ही गया है। तो अंदर जा रहे हैं और पार्किंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि पार्किंग थोड़ी छोटी है, मैंने बाद में देखा कि नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग अच्छी खासी बनी हुई है, तो आप रुकना चाहो या रुक सकते हो। बाकी सिटिंग आप मेरे आसपास देख लो इतनी है, लेकिन इनफ है, अभी भीड़ है काफ़ी लेकिन ठीक है, सीट मिल जाती है। तो गाइस खाना एकदम ज़बरदस्त था, मतलब प्लान तो नहीं था यहाँ रुकने का, लेकिन फिर भी थोड़ी देर रुक गए और खाना खाया, मतलब ब्रेकफास्ट हो गया एक तरीके से, और बहुत ही ज़बरदस्त खाना था, मज़ा आया। आप आना चाहो तो रुक सकते हैं यहाँ पे चीतल ग्रैंड, मतलब इस रूट पे सबसे बेस्ट यही मैं कहूँगा। तो अब यहाँ से निकलते हैं और सीधा आगे चलते हैं हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ। तो गाइज मैं फाइनली हरिद्वार पहुंच चुका हूं और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहां पर, मतलब बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि मैं पहली बार आया हूं यहां पे और हर जगह शॉप्स वगैरह लगी हुई हैं। तो गाइज दिस इज़ द व्यू और ये पुल के उस तरफ से कहीं पे मैं आया हूं, वहां पे गाड़ी लगाई हुई थी, गाड़ी लगाने की काफ़ी सारी जगहें हैं, बाकी ऐसे ही पुल से आपको वॉकिंग आना पड़ता है, ज़्यादा वॉकिंग नहीं है, थोड़ा सा वॉकिंग है और ऐसा कुछ नज़ारा है फिलहाल, काफ़ी ज़बरदस्त है। आपको उस साइड का भी दिखाता हूँ, यहाँ पर मार्केट वगैरह सारी लगी हुई है और बाकी दिस इज़ द मेन प्लेस जहाँ पर आप स्नान वगैरह चाहें तो कर सकते हैं। लुक हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस यार, मतलब कितना ही साफ पानी और कितना पवित्र पानी है बेसिकली, और मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा यहाँ खड़े होके। अभी फ़िलहाल सोचा है वहाँ कहीं जाने का, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ सी लग रही है, भीड़ उधर भी है लेकिन थोड़ा सा वहाँ चलते हैं और थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो
गाइस मैं अंदर हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, मतलब काफ़ी पवित्र था बेसिकली। और फेब में ऐसा है कि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है और पानी काफ़ी ठंडा था, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था। बाकी बहुत अच्छा है अभी फिलहाल यहाँ पर, और भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है मतलब जितना मुझे एक्सपेक्टेड था। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों में चलते चलते टकरा रहे हो, ठीक तरीके से आप अंदर जा सकते हो और आराम से दर्शन कर सकते हो। तो अंदर से हुआ है और अब यहाँ पर वापस पार्किंग में आ गए। पार्किंग ऐसे ही है, ये बंजर सी ज़मीन है, यही पार्किंग है। और चार्जेस यहाँ पर 90 रुपये हैं 12 घंटे के। बाकी और भी कई पार्किंग है, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वहाँ लगा सकते हो, और चार्जेस तो मेरे ख्याल ऑलमोस्ट सेम ही होंगे हर जगह। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं। अब आगे का प्लान ये है कि आगे हम जाने यहाँ से ऋषिकेश, ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 25 किलोमीटर आई थिंक, या मैंने ध्यान नहीं दिया, देखता हूँ एक बार फिर से। और ज़्यादा दूर नहीं है, बस मुझे इतना पता है, मैं तो फर्स्ट टाइम आया और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है बेसिकली यही। क्योंकि आप इन्जॉय तभी कर पाते हो जब ज़्यादा भीड़ ना हो और ज़्यादा आप मतलब एक्सप्लोर कर पाओ बेसिकली। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऋषिकेश, वहाँ लंच करेंगे थोड़ा सा, तो बस निकलते हैं यहाँ से। तो गाइज मैं अभी ऋषिकेश पहुँच चुका हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि मुझे हरिद्वार से ऋषिकेश कितना ज़्यादा जाम मिला। वो भाई साहब लोग चल ही नहीं रहे थे, और यहाँ पर टू व्हीलर वाले जो है वो पता नहीं कितना गंदा चलाते हैं, घुसने को हो रहे होते हैं। बट कैसे ना कैसे करके पहुँच गए यहाँ तक। पहले थोड़ा डी टूर भी ले लिया था, लेकिन उसके बाद आंधा भी आए और फिर जाम में फंस फंसा के किसी तरह यहाँ पहुँचे। यहाँ पर भी पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी एक जगह पर अब मिल गई है। और लक्ष्मण झूला के पास जो मार्केट है वहाँ पर हूँ मैं अभी फिलहाल, और देखता हूँ यहाँ पर क्या है और आपको भी दिखाता हूँ। तो गाइज दिस इज़ द व्यू फ्रॉम लक्ष्मण झूला, और मतलब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और काफ़ी हिल रहा है ये, मतलब मैं पहली बार आया हूँ। और पहले राम झूला भी था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है तो फोटोज़ वगैरह भी अच्छी आ रही है। बाकी मैं यहाँ पे ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करूँगा, यहाँ पे ना बंदर है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं छोटे वाले कैमरे से कुछ सिनेमेटिक्स लेता हूँ, वो आप इन्जॉय करो। वहाँ से मैं आ चुका हूँ लक्ष्मण झूला से, और अब कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं हम अच्छा सा, जहाँ खाने को मिल जाए। दो चार रेस्टोरेंट्स थे नीचे, लेकिन इतना ज़्यादा मज़ा सा नहीं आ रहा था वहाँ पे, मतलब वाइब नहीं थी, समझ रहे हो। तो अब आगे जा रहे हैं, दो चार आते हुए देखे थे उनमें से कोई सेलेक्ट करेंगे और खाना खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। सो गाइज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम ऋषिकेश के अंदर घूम रहे थे खाने की तलाश में, कुछ भी अच्छा ऑप्शन नहीं मिला वहाँ पे, तो हमने डिसाइड किया वहाँ से निकलते हैं देहरादून, एटलीस्ट चलते रहते हैं देहरादून की तरफ ताकि टाइम भी बच सके और रास्ते में कोई अच्छा ऑप्शन मिले तो वहाँ पर हम कुछ ना कुछ खा लें। लेकिन कुछ भी रास्ते में नहीं मिला और इतनी देर में हम देहरादून ही पहुँच गए। होटल ढूंढा, होटल सेलेक्ट कर लिया है और काफ़ी अच्छा होटल है, मैं भी आपको दिखाता हूँ अच्छे से, रूम टूर दे दूंगा। छोटा सा रूम है तो बस एक बार कैमरा इधर को घुमाना है आपको समझ आ जाएगा। और बाकी होटल मिल चुका है, अब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, नीचे ही रेस्टोरेंट है होटल के, ऑब्वियसली होता ही है, तो वहीं जा रहे हैं और कुछ अच्छा सा खाएंगे, वहाँ पे भूख बहुत तेज लग रही है। बाकी देहरादून के बारे में मैं बात करूँ, जितना अब तक मैंने एक्सपीरियंस लिया यहाँ पे ड्राइव करते हुए और होटल ढूंढते हुए, अच्छी सिटी है, लोग तरीके के लग रहे हैं मुझे यहाँ पर, तरीके के इन द सेंस कि मतलब ट्रैफिक रूल्स हर कोई फॉलो कर रहा है बेसिकली, और पार्क्स वगैरह बहुत अच्छे बने हुए हैं यहाँ पर। मतलब देहरादून एक अच्छी सिटी है, मतलब समझ रहे हो ना, वाइब समझ रहे हो, यहाँ पे वाइब्स है, कैफेज हैं हर जगह, और रात को तो पता नहीं कैसी लाइटिंग वगैरह होती होगी। और जिस स्ट्रीट पे मैंने होटल लिया ना, यहाँ पे ही काफ़ी सारे कैफेज हैं, तो रात को भी एक नज़ारा मैं आपको बाहर का दिखा दूँगा। बाकी होटल काफी अच्छा मिल चुका है और नीचे रेस्टोरेंट, अब चलते हैं, भूख लग रही है। मैं आपको फटाफट से पहले रूम टूर दे देता हूं। तो रूम में ज्यादा ऐसा सच कुछ नहीं है, बस यहां पर सोफा, यहां पर बेड, यहां पर टीवी और यहां पर एक खिड़की है, और ये मिरर पे अभी मैं शूट कर रहा था। खिड़की से व्यू काफी अच्छा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये बाहर यही कैफे बना हुआ है बाहर, और बाहर उस साइड भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफेज हैं। तो बाकी इतना ही है रूम के अंदर, और एक नाइट के हिसाब से ठीक है। कल मैं जा रहा हूँ एक और डेस्टिनेशन पे, तो वो आपको कल के व्लॉग में या फिर नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। बाकी अब नीचे चलते हैं, आपको भी दिखाता हूँ नीचे कैसी वाइब है। True passion shines and I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. सो गाइज हैड अमेजिंग फूड, और बहुत ही ज़बरदस्त खाना था नीचे रेस्टोरेंट का, और मज़ा आया काफ़ी, वाइब बहुत ही अमेजिंग थी। कुछ कुछ शॉट्स लिए थे उसमें, आपने देखा होगा। बाकी अभी वापस मैं रूम पे जा रहा हूँ, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद निकलेंगे बाहर। जो मैंने आपको बताया था कि ये जो गली सी है, जो स्ट्रीट है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो यहाँ पर जाके एक बार देखेंगे। मैंने बात की उनसे तो वो लोग कह रहे हैं कि 9 बजे तक सारा स्ट्रीट वगैरह बंद हो जाता है, तो एक बार जाके थोड़ा सा घूम लेंगे। अब आए हैं तो उसके बाद सीधा सोएंगे, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइज मस्त थोड़ी देर आराम कर लिया और एकदम रिफ्रेश हो गया मैं, और बस वही है कि थोड़ी देर आप कमर सीधी कर लो ना, यहाँ तो आप उसके बाद सो जाते हो, या फिर आप एकदम रिफ्रेश हो जाते हो, जो कि मैं अभी हो चुका हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, और थोड़ा सा लाइटिंग कर देते हैं ज़रा, हाँ आप ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा बाहर, और देखेंगे क्या है डिनर करने के लिए, मतलब डिनर करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है बाहर, अभी कुछ नहीं पता। थोड़ा सा मार्केट है वो एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या शॉप्स हैं, और डिनर बाहर ही करके आ जाएंगे, ऐसा अभी सीन है। और अभी यहाँ से अगर आप बाहर देखो
तो यहाँ से मैं अभी देख रहा था ये जो एरिया है, ये जो रोड बोर्ड है यहाँ का टाइम लैप्स लेने का, लेकिन जो मेरा वो है छोटा वाला कैमरा उसका जो माउंट यहाँ पे सक्शन माउंट लगेगा वो मेरा गाड़ी में रह गया है। तो होपफुली कल ले लेंगे या जैसा होगा देख लेंगे। बाकी काफ़ी अच्छा व्यू है फिलहाल तो बाहर से रात का भी, क्योंकि सामने का जो कैफ़े है ना वो काफ़ी अच्छी लाइटिंग कर रहा है। मतलब मेरे को अंदर बैठे बैठे ही हल्का सा ऐसे पर्दा खुला होता है ना तो वो लाइटिंग चमक रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी चलते हैं अब सीधा बाहर और देखते हैं बाहर क्या है, मतलब देखने को और घूमने को। और बस यही स्ट्रीट है, आगे तक जाएंगे जहाँ तक जाया गया और वहीं पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, तो सीधा चलते हैं नीचे। सो गाइज हम बाहर गए थे और बाहर कुछ भी अच्छा डिनर का ऑप्शन नहीं मिला, मतलब यही वाली स्ट्रीट तक आके गए थे। पता नहीं क्यों दुकानें जल्दी जल्दी बंद हो रही थी इसलिए कुछ भी अच्छा समझ नहीं आया, तो हम वापस आ गए। मैंने अपने लिए कुछ लाइट सा डिनर ऑर्डर कर लिया, चिली पोटैटोज़ वगैरह ऐसा कुछ ऑर्डर कर लिया, कोल्ड ड्रिंक मेरे पास पड़ी थी तो मेरा जुगाड़ तो हो गया। बाकी अभी सोएंगे, अभी मैं नीचे गया था, ये दूसरे हाथ में पड़ा है ये लेने के लिए, ये माउंट है। अभी मैं कोशिश करूँगा कि एक टाइम लैप्स लूँ बाहर का, अगर ठीक ठाक आया हुआ तो उस वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा। बट आई थिंक इस वीडियो के लिए मैं रखना चाहिए इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को करना एक लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी अच्छी वीडियो में। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे कहीं और, तो वो बिल्कुल भी मिस मत करना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा नेक्स्ट पार्ट इसका। तो मिलेंगे आपसे उसी वीडियो में, टिल देन अमन सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय। Work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits.